जो कि इंसुलिन का क्या काम है, वो जो हमारे ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ठीक है। जब वो ये काम करना रोक देता है या उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं होती है, तो उसका ग्लूकोज लेवल पे जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल वो हाई चला जाता है। तो इन कंडीशंस में या तो वो बंदा प्री डायबिटिक होता है या वो डायबिटिक होता है। डायबिटीज़ जो है एक क्रॉनिक डिसऑर्डर या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि जब हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत हाई चला जाता है, इधर ब्लड ग्लूकोज लेवल और द जिसको हम एक आसान भाषा में कहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल हाई चला जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि दैट पर्सन इज़ प्री डायबिटिक और ही इज़ हैविंग और शी इज़ हैविंग डायबिटीज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो एक ऑर्गन है पैनक्रियाज, वो इंसुलिन एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। उसमें जब इंसुलिन जो हार्मोन है, जब उसकी यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में प्रॉपरली नहीं होती है, ठीक है, जो कि इंसुलिन का क्या काम है, वो जो हमारे ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ठीक है। जब वो ये काम करना रोक देता है या उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं होती है, तो उसका ग्लूकोज लेवल पे जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल वो हाई चला जाता है। तो इन कंडीशंस में या तो वो बंदा प्री डायबिटिक होता है या वो डायबिटिक होता है। तो नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन अर्पना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जिनको डायबिटीज़ है तो उनके लिए कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि आपको करवाने होते हैं, और उन टेस्ट के साथ साथ उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है जब आपको डायबिटिक हो या आप प्री डायबिटिक हो, ठीक है। तो इनमें हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3 टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। सेकंड होता है आपका HbA1c, ठीक है। HbA1c के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। और थर्ड है GTT, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो फर्स्ट है कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को चेक करने के लिए हम अपनी जो 8-10 आवर्स की फास्टिंग रखते हैं, उसमें हम वही ऐसे होता है कि रात को हमने, जैसे रात को जो भी हमने अपनी डाइट लिया है अराउंड 8 o'clock हमने अपना खा लिया, और सुबह हमने उसको बिना कुछ खाए या बिना कुछ पिए हमने अपना सैंपल देना है। वो सैंपल हम इधर हम इस फिंगर से ऐसे प्रिक करके भी अपना करवा सकते हैं ब्लड ग्लूकोज चेक, या फिर हम अपना घर पर ग्लूकोमीटर से भी चेक कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर भी आप मेक श्योर कि आपका ग्लूकोमीटर भी एक बहुत अच्छी ब्रांड का ही होना चाहिए, ठीक है। जो एक अच्छा ग्लूकोमीटर होता है वो आपका 1500 के बीच में आता है, ठीक है। बट एक जो बहुत एक जो बिल्कुल अच्छे जो जिनको हम कहते हैं कि अच्छे ग्लूकोमीटर्स नहीं है, वो आपको बहुत सस्ते चाइनीज़ ब्रांड में मिल जाएंगे। बट आप मेक श्योर कि आप एक अच्छा ग्लूकोमीटर लो, बिकॉज आपको ब्लड शुगर लेवल जो आपका चेक करना है, जो आपने घर पे चेक करना है, वो आपका एक एक्यूरेट होना चाहिए, तो आपको वो एक अच्छी रीडिंग ही प्रोवाइड करे, ठीक है। तो सेकेंड है ये आपका फास्टिंग का हो गया। फास्टिंग के बाद आपको पीपी भी आप ब्लड शुगर लेवल आप चेक करवा सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ कि फास्टिंग आपकी 72 अगर 100 और 110 के बीच में अगर आपकी mg/dL के अकॉर्डिंगली अगर आपकी आती है ब्लड शुगर लेवल, तो दैट मींस आपका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है। सेकंड है अगर पीपी जो आपकी पोस्ट पेरेंडल ब्लड शुगर लेवल होता है, पोस्ट पेरेंडल के लिए आपने जो भी आपने 1 या 2 मील के बाद अब अपना ब्लड का सैंपल देते हो, उसमें आप अपना आपका पता लग जाता है कि आपकी ब्लड शुगर कितनी है। उसमें अगर आपकी 110-140 के बीच में आती है, दैट मीन्स यू हैव अ गुड कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये आपके हो गए ये वाला फास्टिंग एंड पीपी ब्लड शुगर लेवल। सेकेंड आता है आपका टेस्ट जो है HbA1c। HbA1c टेस्ट है कि आपका जो हेमोग्लोबिन से जो अटैच्ड ग्लूकोज है HbA1c, सी इज़ द कार्बोहाइड्रेट, उससे अटैच जो आपका ग्लूकोज है वो आपका बॉडी में कितना है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको GTT बता देती हूँ, दैट इज़ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 2 कंडीशंस में होता है। ये 2 कंडीशंस हैं, जैसे एक तो है type 2 डायबिटीज़ में और सेकेंड है जेस्टेशनल डायबिटीज़ में। type 2 डायबिटीज़, जैसे हमें पता है एक type 1 डायबिटीज़ होती है, एक type 2 डायबिटीज़ होती है। type 1 डायबिटीज़ होती है जिसमें कि बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, तो हमें इंसुलिन के शॉट्स लेने पड़ते हैं सिरिंज से, या तो हम अपनी आर्म पे या स्टमक पे उसको सिरिंज से इंसुलिन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड है हमारी
टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें कि हमारी बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है बट वो इंसुलिन की जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में वो एनर्जी में प्रोड्यूस, जो हमारा ग्लूकोज है वो एनर्जी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, जिससे हम कहते हैं कि इसको ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया। तो इन दो कंडीशंस में एक थर्ड होता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है जिसमें कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको डायबिटीज़ हो जाती हैं ड्यू टू द फॉल्टी ईटिंग प्रैक्टिसेस और जो भी आपको कुछ भी एक्स वाई जेड रीज़न से ये हो सकता है, ठीक है। तो ये इन दो इन कंडीशंस में हम एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, जिसमें कि आपको 8 आवर्स की फास्टिंग के बाद एक प्री रेडी ग्लूकोज का सैंपल 300 ml का वो पिलाया जाता है और आपकी टॉलरेंस लेवल चेक की जाती है कि आपकी बॉडी कितना ग्लूकोज को टॉलरेट कर पा रही है, ठीक है। ये तो आपके दो टेस्ट हो गए। थर्ड है कि HbA1c टेस्ट है, जो HbA1c टेस्ट है ये हम उन कंडीशंस में करवाते हैं जब जैसे जो हमारे जैसे RBC जो हमारे रेड ब्लड कॉपर सेल्स हैं उनकी लाइफ होती है 90 to 120 days, तो उन 90 to 120 days में जितनी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कंजम्पशन हुई है, तो उसका एक रैंडम आपका सैंपल लेने के लिए उसमें हम HbA1c का टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें कि आपकी उन पीछे के 2 to 3 months की आपकी ब्लड शुगर लेवल उस टेस्ट में आपकी आ जाएगी। तो इस टेस्ट के लिए क्या होता है कि इस टेस्ट के लिए आपको एम्प्टी स्टमक रहने की ज़रूरत नहीं होती, फास्टिंग ज़रूरत नहीं होती, ये इसमें आपका वीनस जो सैंपल है जो कि आपका आर्म से यहाँ से ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका ब्लड का सैंपल, ये आपका टेस्ट लैब में ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट जो आती है आपकी 12 to 24 hours के बाद ही आती है। तो इसमें तो ये आपका HbA1c टेस्ट हो गया। HbA1c की जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 4.1 to 5.7 अगर आपकी है, तो ये आपकी नॉर्मल रेंज है। अगर इसके अबव जाती है 5 point आप कह लो 5.7 से 6.5 तक, तो आपके इसमें एक आपका एक प्री डायबिटिक होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अबव अगर इसके बियॉन्ड जाती है तो मीन्स यू आर हैविंग डायबिटीज़ और आपके वो सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 tests हैं जो कि हम डायबिटीज़ के लिए करवाए जाते हैं। एट टाइम्स क्या होता है कि फास्टिंग में हमने, हो सकता है हमने पिछले 2-3 दिन में अपनी डाइट अच्छी ली है, जिसमें कि हमारे हमारा ग्लूकोज का अच्छा कंट्रोल भी रहा है, उसमें हमने एक्सरसाइज या वॉक वगैरह भी अच्छी की है और उसमें हमने डाइट भी अच्छी ली है, तो उसमें हमारी फास्टिंग जो हम FBS करवाते हैं उसमें हमारी ब्लड शुगर लेवल ठीक आ जाती है। बट HbA1c इसलिए करवाना ज़रूरी होता है कि आपने लास्ट 3 months में अपनी कितनी शुगर लेवल का आपका इनटेक आपका हुआ है, आपके ग्लूकोज का कितना अच्छा कंट्रोल आपकी उस पर रहा है, तो ये हमारा डिटेक्ट करने के लिए हमें HbA1c टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। तो ये किन कंडीशंस में HbA1c टेस्ट आप, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें HbA1c टेस्ट करवाना चाहिए? जो डायबिटीज़ हैं बेसिकली ये डायबिटीज़ वालों के लिए होते हैं, बट इसके सिम्टम्स मैं आपको बिल्कुल एक जो कि डायबिटीज़ वालों के लिए एक 3 जो ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि मेनली डायबिटीज़ वालों को ही होते हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में बात करती हूँ। ये हैं इनको क्या क्या सिम्टम्स लगेंगे कि आपको लगे कि हाँ अब मुझे HbA1c टेस्ट करवाना चाहिए। ये 3 हैं टेस्ट हैं सिम्टम्स हैं। नंबर 1 इज़ पॉलीयूरिया, नंबर 2 इज़ डिस्पेप्सिया, नंबर 3 इज़ डिस्फेजिया। पॉलीयूरिया इज़ एक्सेसिव यूरिनेशन, जब आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, आपको बार बार अर्ज होगी कि आपको यूरिन आ रहा है, आपको नाइट टाइम में आप सोते हो आपको तब भी 2-3 घंटे के बाद आप बार बार उठ रहे हो, आपको यूरिनेशन की फीलिंग हो रही है, ठीक है, एक्सेसिव यूरिनेशन। नेक्स्ट इज एक्सेस पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया इज़ एक्सेसिव हंगर, आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आप भूख लग रही है, आपने थोड़ा अभी खाना खाया और थोड़ी देर बाद आपको फिर से भूख लगने लग जाएगी, नहीं तो ये कंडीशन होती है पॉलीफेजिया। तो ये भी मेनली डायबिटीज़, जिनको डायबिटीज़ होती है उन कंडीशंस में ये सिम्टम आ जाते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट इज़ डिस्पेप्सिया, एक्सेसिव थर्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको भूख लग रही है। तो इन 3 कंडीशंस में अगर आपको ऐसा कुछ भी फील होता है तो देन यू गो फॉर द HbA1c टेस्ट, आप एक बार ये अपना ज़रूर करवाएं। अगर ये तीनों भी आपको फील नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ है, आपका आप ओवरवेट हो प्लस आपकी एज 40-45 से अबव हो चुकी है, तो आपको ये टेस्ट ज़रूर
एक बार, 6 मंथ्स में एक बार ज़रूर करवा लेना चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी बॉडी में इंसुलिन अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर आपकी यूटिलाइज इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही है बॉडी में, तब भी आपको वेट के इश्यूज़ हो सकते हैं, राइट। तो इन कंडीशन, इन ती डायबिटीज, इन जो एच बी एवन सी है, इसकी मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसकी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, सेकेंड इज़ डाइट्री मैनेजमेंट, एंड द थर्ड इज़ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अगर आप इन 3 पे कंट्रोल कर लोगे तो डेफिनेटली आप अपना जो आपके लेवल्स हैं एच बी एवन सी के, वो विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन इनफैक्ट वो नीचे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनमें हमने क्या करना है? फर्स्ट इज़ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज में आपने 150 मिनट्स पर वीक ही, इतनी ही आपने वॉक करनी है, इतनी ही फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वो भी एक मॉडरेट इंटेंसिटी की करनी है। उसमें आपका कोई भी स्ट्रेनुअस या अग्रेसिव वर्कआउट नहीं होना चाहिए, स्पेशली फॉर द डायबिटीज़, जिनको ये इनकी जिनके एच बी ए वन सी लेवल्स हाई हैं, उनको बिल्कुल मॉडरेट एक्टिविटी ही करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाइट्री मैनेजमेंट। डाइट्री मैनेजमेंट के लिए हमें अपनी डाइट में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपने वो ही इंक्लूड करने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं हमने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ठीक है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम किन फूड आइटम्स में होता है? जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, आपके होल ग्रेन्स हैं, होल पल्सेस हैं, ठीक है, आपके जितने भी फाइबर रिच फूड आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, आपने ये वाली डाइट लेनी है। और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, आप उनको अवॉइड करो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई किन फूड आइटम्स में है? जैसे कि जितने भी हमारे रूट वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, आपने रूट्स नहीं लेनी, लीव्स लेनी है। डायबिटीज़ वालों ने, एच बी ए वन सी हाई वालों ने लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, रूट वेजिटेबल्स उन्होंने कम से कम लेनी है, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो ये रूट वेजिटेबल्स, सिंपल कार्ब्स, सिंपल शुगर्स, रिफाइंड ऑयल्स, ये डायबिटीज़ वालों ने, जितने भी रिफाइंड सॉल्ट्स हैं, रिफाइंड शुगर्स हैं, रिफाइंड ऑयल्स हैं, जितना भी जो भी रिफाइंड स्टफ़ है, मैदा, सूजी एंड ऑल, ये सारा आपने अवॉइड करना है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हम बात कर रहे थे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स से अबाउट कम है, और वो हम डाइट में क्वांटिटी में हम उसको ज़्यादा ले लेते हैं, तो उन कंडीशंस में क्या होगा कि ग्लाइसेमिक जो लोड है ब्लड पे वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने मेक श्योर कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो भी फूड आइटम्स भी ले रहे हो, आपने स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे लेना है, रादर टू हैविंग द बिग मील्स एट वन टाइम, आपने उसको स्प्लिट करके लेना है, आपने अपने पोर्शन साइज को स्मॉल कर देना है और आपने उसको थोड़ा, आप 2-3 घंटे के बाद आप उसको ले सकते हो। तो ये आपने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ वालों को इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ फूड आइटम्स हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल और एच बी एवन सी लेवल को कंट्रोल में रखती हैं, उसको थोड़ा नीचे करने में हेल्पफुल रहती हैं। तो उनमें हैं जैसे कि फेनुग्रिक सीड्स हैं, मेथी दाना जिसको हम कहते हैं, कलौंजी है, ठीक है, ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, सिनेमन है, अच्छा एप्पल साइडर विनेगर है, एंड लीफी ग्रीन्स हो गए, ठीक है, और आप ले सकते हो जैसे कि वाटर इनटेक। आपने अपने आप को ना इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखने हैं, बार बार आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने पानी का इनटेक ज़रूर रखना है। अच्छा प्रोटीन लेना है डाइट में, अच्छे प्रोटीन्स में आप एग वाइट्स ले सकते हो, ठीक है, बट आपने प्रोटीन भी उस कंडीशन में आप थोड़ा ज़्यादा रखो। वैसे तो इसमें हाई प्रोटीन डाइट की ही रिक्वायरमेंट होती है, बट अगर आपका वेट भी ज़्यादा है और साथ में आपका लाइफस्टाइल ही सेडेंट्री है, तो उस कंडीशन में आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप ऑल द टाइम यू आर सिटिंग तो आप प्रोटीन भी ज़्यादा लोगे तो वो अल्टीमेटली आपका फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका वेट ज़्यादा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज़्यादा हो जाएगी। तो उस कंडीशन में तो ये जो आपकी डाइट की डाइटरी मैनेजमेंट है, ये कि आपको कितना प्रोटीन लेना है, लाइक वैसे तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली होता है, तो अगर आप डायबिटिक हो तो आपको 1.2 या 1.1 केजी ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली लेना होता है, बट अगर आपका सिटिंग है बहुत ज़्यादा तो आपको 1 इज़ इनफ।
तो आपने ये इतना आपने प्रोटीन लेना है, अच्छे प्रोटीन रिच सोर्सेज लेने हैं। आप सोया प्रोडक्ट्स अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, ब्राउन राइस आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी आइटम्स हैं, फूड टिप्स हैं जो आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, तो इससे डेफिनेटली आपका जो लेवल ऑफ आपके एच बी एवन सी लेवल्स हैं जो आपके नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड थर्ड आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल आपका ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा जब आप फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड कर लोगे, अपने रूटीन में डाल लोगे, डाइटरी मैनेजमेंट आपकी हो जाएगी, ठीक है, तो आपका लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप सेडेंट्री से मॉडरेट लाइफस्टाइल पे आ जाओगे। सेकेंडली आपको डी स्ट्रेस करने की ज़रूरत है अपने आप को। जब आप सिर्फ हमें अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें साथ में अपनी मेंटल हेल्थ पे भी, अपनी इमोशनल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो हमें अपने आप को डी स्ट्रेस करना है। डी स्ट्रेस के लिए चाहे आपको जो भी अच्छा लगता है, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, आप उसको अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्लीप पैटर्न। जो लोग सिर्फ 6 घंटे की या 7 घंटे की नींद लेते हैं, जिनका एच बी एवन सी लेवल ज़्यादा है, उनको उनमें से प्लस 1 घंटा ज़्यादा करना है, उनको 1 घंटा उसमें प्लस करके अपनी नींद ज़्यादा लेनी है, ठीक है। अगर 7 घंटे की लेते हो तो 8 किलो, 6 की लेते हो तो 7 किलो, और आपको अपनी एक आफ्टरनून नैप, आप कोशिश करो कि आफ्टरनून नैप चाहे सिर्फ आधे घंटे की हो, जस्ट टू रिजुविनेट योरसेल्फ, वो आपने ज़रूर रखनी है, ठीक है। ये आपके डी स्ट्रेस हो गया, स्लीप पैटर्न हो गया, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। एंड जिनका वेट ज़्यादा है उनको वेट लॉस ज़रूर करना है। वेट लॉस करने के लिए इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स आपने लेने हैं वो एक आपको एक डाइटिशियन ही अच्छे से बता सकती है, तो आप मेक श्योर कि आप किसी डाइटिशियन से ही अपना प्लान बनवाएं, सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ डाइटरी मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की टिप्स हैं जो आप अगर अपनी रूटीन में इंक्लूड करोगे तो विदाउट मेडिसन आप अपना एच बी एवन सी लेवल इम्प्रूव कर सकते हो, वो आपका नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, 2-3 महीने में ही आपको इसमें डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द एच बी एवन सी लेवल्स, कि उसमें कैसे उसको मैनेज करना है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।